हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गूगल ऐड के बारे में। तो जो मैं आज सिखाऊंगा वो फ्रेज मैच कीवर्ड में होगा। गूगल ऐड जो पहले मैंने सिखाया था वो भी एक अच्छा मेथड था, वो एग्जैक्ट मैच में था। और अभी वो मेथड में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है कि वो मेथड में क्लिक नहीं आ रहा है, इंप्रेशन नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने ये नया जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वही टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो ये वीडियो एक बार पूरा देखना क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है और YouTube में ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखना और फिर डिसाइड करना कि ये ऐड चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर सही से जो मैंने बताया वैसे आप ऐड चलाओगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो आपने पहले यूट्यूब में देखा होगा ब्रो, फ्रेज मैच कीवर्ड में कोई भी ऐड उससे पूरा अलग है, क्योंकि जो मैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी अभी यूज़ कर रहा हूँ गूगल एड में, क्योंकि मेरा अभी ऑलरेडी 6 to 7 कैंपेन हाल में चल रहा है गूगल एड में, वही मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। और जो मैंने अभी रिसेंटली एक लैंडिंग पेज बनाया है, मैंने खुद बनाया है लैंडिंग पेज और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा फ्री में, बिल्कुल फ्री। क्योंकि जो मैं लैंडिंग पेज यूज़ कर रहा हूँ वो खुद का ही बनाया हुआ यूज़ कर रहा हूँ, मैं कभी किसी का कॉपी नहीं करता। तो वही मैं हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज भी आपके साथ फ्री में शेयर करूँगा। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं वीडियो में कुछ क्वालिटी दिया है तो ये वीडियो को लाइक कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट नीचे कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूगल एड में सबसे पहले आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम आता है लैंडिंग पेज का। अगर आपका लैंडिंग पेज सही नहीं है तो अकाउंट बहुत सारे सस्पेंड होते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब मैं गूगल एड चल रहा था तो मेरे ज़्यादातर अकाउंट लैंडिंग पेज की वजह से ही सस्पेंड होते थे, क्योंकि गूगल का पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्टली है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है तुम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन है जो तुम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे एग्जैक्ट कॉपी मेन वेबसाइट का लगे। तो इसके लिए मैंने अभी एक नया लैंडिंग पेज बनाया है। पुराना भी जो मैंने पुराने वीडियो में दिखाया था गूगल एड वाले वीडियो में वो भी अच्छा वर्क करता है, और ये मैंने कस्टम डोमेन के साथ बता रहा हूँ आपको इस बार, क्योंकि कस्टम डोमेन में एक बेनिफिट होता है। क्योंकि जो नेटलीफाई का है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि ये एफिलेट ही है, तो ज़्यादा चांसेस है कि कस्टम डोमेन में सेल आए। तो एक ये मैंने लैंडिंग पेज बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कैसा लैंडिंग पेज बनाया है। ये अभी मैं लास्ट 1 मंथ से यही लैंडिंग पेज यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है लैंडिंग पेज, इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि आप भी इसका बेनिफिट उठा सको। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको पाइपलाइन प्रो में कैसे इसको इम्पोर्ट करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाइपलाइन प्रो का वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। ये बहुत अच्छा टूल है लैंडिंग पेज के लिए, तो इसमें भी बताऊंगा। अगर आपने बाय नहीं किया है तो बाय कर सकते हैं। तो ये लैंडिंग पेज हमें यूज़ करना है गूगल ऐड में, तो उसके लिए पाइपलाइन प्रो में आते हैं। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लिक फनल में है। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने क्लिक फनल में रखा था। तो यहाँ पर न्यू फनल करना है और यहाँ पर फनल का नाम देना है। हमारा क्लारिटॉक्स प्रो है तो वो दे देते हैं, क्लारिटॉक्स प्रो क्रिएट फनल। और अबे ऐड न्यू स्टेप करना है यहाँ पे क्लारिटॉक्स प्रो, और इसका लिंक आपको ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको क्लिक फनल वाला लैंडिंग पेज का, तो आप भी कॉपी कर पाओगे। यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे पाथ रखना है तो रख सकते हो, हम बाद में सेट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट फनल स्टेप करना है, आपका पूरा लैंडिंग पेज जो एक क्लिक फनल का है वो पाइपलाइन प्रो में कॉपी हो जाएगा। फिर हम उसको एडिट, हमें जो आपको आपका थोड़ा बहुत एडिट करना रहेगा, ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ फॉन्ट का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्लिक फनल का फॉन्ट अलग है, पाइपलाइन प्रो का फॉन्ट अलग है थोड़ा सा। तो ये इम्पोर्ट हो रहा है पूरा,
ये हमारा लैंडिंग पेज पूरा कॉपी हो गया, तो अभी प्रीव्यू करके भी दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। देखो ये पूरा एग्जैक्ट कॉपी हो गया पूरा लैंडिंग पेज। ये हमको थोड़ा बटन अटन वो सब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फॉन्ट की वजह से ये सब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बस और कुछ नहीं। नहीं तो पूरा सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा आपका, ज़्यादा कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा एडिट करके दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले ये बराबर है, ये पूरा ऐसा ही आ जाएगा। अभी डोमेन लगाएंगे तो ये पूरा हो गया। अभी हमको कस्टम डोमेन के साथ जुड़ना है, तो मैंने मेरे पास एक डोमेन पड़ा है, पर मुझे ऐसा डोमेन यूज़ नहीं करना। कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा मेन डोमेन हो गया और पीछे क्लारिटॉक्स प्रो, ऐसा तुम्हारा वेबसाइट लिंक रहेगा, पर ऐसा नहीं करना है हमको। हमको ऐसा करना है कि ये बायस जोन हो गया, क्लारिटॉक्स प्रो आ गया है, क्लारिटॉक्स प्रो डॉट बायर्स जोन डॉट कॉम डॉट यूएस। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका मेन वर्ड आगे रहेगा डोमेन के आगे, गूगल एड में क्वालिटी स्कोर थोड़ा इंक्रीज़ होता है तुम्हारा, तो सीपीसी में भी थोड़ा बेनिफिट होता है वो सब। तो ये कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। हमारा लैंडिंग पेज ऐड हो गया, अब हम डोमेन ऐड करते हैं। हमें सब डोमेन ऐड करना है, तो यहाँ पर चलते हैं ऐड एंड एडिट डोमेन में, और यहाँ पे हमको एक न्यू डोमेन ऐड करना है। यहाँ पे हमारा डोमेन रहेगा क्लारिटॉक्स प्रो डॉट, हमारा डोमेन नेम होगा बायर्स जॉन डॉट यूएस। तो ऐसा हमारा डोमेन रहेगा। तो इसके लिए हमको इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आना पड़ेगा नेम चिप में, जहाँ पे आपने डोमेन लिया है वहाँ पे एडवांस सेटिंग में आना है। डोमेन में जाके एडवांस सेटिंग में खाली एक रिकॉर्ड आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ये मैंने ऑलरेडी पाइपलाइन प्रो से अटैच किया हुआ है, तो एक और सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करना है सब डोमेन के लिए। तो यहाँ पर सी नेम रिकॉर्ड में चलते हैं, यहाँ होस्ट में क्लारिटॉक्स प्रो लिखना है, और यहाँ टारगेट में ये अपना ये आएगा जो ये पाइपलाइन प्रो में दिखाया है ना, ये कॉपी करके आपको पेस्ट करना रहता है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे सेव कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, और चलते हैं हम अब इसमें, ये यहाँ पे ऐड कर दिया। ये कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है, तो ऐसे घबराइए मत, कुछ एरर आया होगा। तो देखो ये कनेक्ट हो गया, अभी हमको कनेक्ट करना है फनल। तो हमने क्लारिटॉक्स प्रो नाम का अभी फनल क्रिएट किया है, बस उसको ही कनेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिंक डोमेन कर देना है, लिंक हो जाएगा डोमेन पूरा। यहाँ पे देखेंगे एडिट में जाके, तो हमें यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पेज देना है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज आप नहीं दोगे, यहाँ पे एडिट में आना है, ये हमारा डोमेन ऐड हो गया, यहाँ पे एडिट में आके बाय डिफ़ॉल्ट पेज देना है हमारा। तो क्लारिटॉक्स प्रो का अभी हमने किया वही यहाँ पे करेंगे, तो कोई ओनली डोमेन सर्च करेगा तो ये हमारा वेबसाइट पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे सेव कर लेना है और कुछ नहीं, बस ये हमारा काम हो गया। अभी हमको चलना है फनल में, तो ये हमारा पूरा फनल ऐड हो गया। अभी कोई ओपन करेगा यहाँ पे, तो ये पहली बार थोड़ा टाइम लेगा, फिर आराम इजीली ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा देखो हो गया क्लारिटॉक्स प्रो बायर्स जॉन डॉट यू एस ओपन हो गया पूरा। तो ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो इसकी जगह आप यहाँ पे एडिट में जाके इसका पीछे का पाथ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सीपी करना है या कुछ भी शॉर्ट फॉर्म करना है या गेट नाउ करना है तो भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आपको जो क्या रखना है वो बस अपडेट कर दो यहाँ पर, तो ये पूरा आ जाएगा गेट नाउ। ओके, ये अपना लैंडिंग पेज हो गया। देखो ये लैंडिंग पेज पूरा सेम ही है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करना है, ये सब एडिट करना है। मैं पहले पाइपलाइन प्रो वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे एडिट करना है, क्या है वो। एडिट में जाके अपना सबसे मेन बात कि अपना एफिलेट लिंक चेंज कर देना, क्योंकि इसमें मेरा एफिलेट लिंक रहेगा। तो आपका
एफिलेट लिंक जहाँ जहाँ बटन दिया है, ज़्यादा बटन नहीं है इसमें क्योंकि ज़्यादा गूगल अलाउ नहीं करता। मैंने ऐसा सुना है कि हम ज़्यादा बाइंग बटन देते हैं तो भी गूगल को पसंद नहीं है, तो बस ये जो जो बटन है वहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाके अपना एफिलेट लिंक देना है। ये मेरा है, उसकी जगह आपको आपका पेस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। ये जो जो बटन है वहाँ पे बस आपको पेस्ट करना है, और मोबाइल में भी एक बार चेक कर लेना, मोबाइल वर्जन में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मोबाइल के फॉन्ट है और ये डेस्कटॉप पे फॉन्ट है, आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो जो भी करना है वो। ये बटन मैंने इमेज वाला दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ से इमेज एक्शन में जाके यहाँ पे गो टू वेबसाइट URL जाके यहाँ पे अपने एफिलिएट लिंक पेस्ट कर देना, बस और कुछ नहीं है। तो अपना लैंडिंग पेज का पूरा क्लियर हो गया, इनको सेव चेंजेस कर देते हैं इसको। तो अपना पूरा लैंडिंग पेज रेडी है अभी प्रमोशन करने के लिए। अब बात आती है प्रमोशन का, तो मैं डायरेक्ट गूगल ऐड में नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट गूगल ऐड में कैसे प्रमोट करना है, उसके लिए मैं बीच में एक टूल यूज़ करूँगा क्लिक मैजिक करके। इसका बेनिफिट क्या है कि हम आज जो करने वाले हैं ब्रॉड मैच है, थोड़ा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है पुराने वाले वीडियो से, पर ये थोड़ा अपडेटेड है क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिक्कत आ रहा था कि उनको इम्प्रेशन नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा जो अभी का मेथड है अपडेट किया हुआ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर क्लिक या इम्प्रेशन नहीं आने का मेन रीज़न होता है तुम्हारा लैंडिंग पेज। अगर तुम्हारा लैंडिंग पेज का स्कोर सही नहीं रहेगा तो गूगल अच्छे से तुम्हारा ऐड शो ही नहीं करेगा। तो मेन जो पुराने वाले नेटलीफाई वाले पेज में वही दिक्कत होती थी कि उसमें कंटेंट थोड़ा कम था और इतना ब्रीफली नहीं बताया था प्रोडक्ट के बारे में, तो उसकी वजह से क्वालिटी स्कोर का इश्यू आता था। तो इसके लिए मुझे ये पेज डिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि ये पेज में प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल चाहिए वो सब डिटेल है, तो जो बायर है वो इजीली बाय कर सकता है पढ़ के, और गूगल भी इसको ये पेज को अच्छा स्कोर देता है। तो हम चलते हैं क्लिक मैजिक में। यहाँ पे हमको ट्रैक करना है क्योंकि ब्रॉड मैच में तुम्हारा अगर तुमने टारगेट किया है क्लारिटॉक्स प्रो डॉट रिव्यू, तो हमें ब्रॉड मैच में करेंगे तो उसके आगे पीछे कोई भी टाइप करके मानो के कोई यूज़र ने सर्च कर लिया कि क्लारिटॉक्स प्रो रियल कस्टमर रिव्यू, तो भी आपका ऐड शो होगा, तो हमको वही टारगेट करना है। तो हम इसे कॉपी कर देते हैं और ये इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वही लोग यूज़ करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि क्लिक मैजिक यूज़ ही करो। खाली ये किन के लिए बेनिफिट है कि जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, जिनका अच्छा ऐड चल रहा है, थोड़ा बहुत अर्निंग किया है, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनको और एक्सपांड करना है कैंपेन, कोई भी कैंपेन तो कर सकते हैं। और इसके लिए मैं क्लिक मैजिक सजेस्ट करूँगा। नए लोगों के लिए मत करो, डायरेक्ट करो, खाली क्लिक मैजिक इग्नोर कर दो और दूसरा सब मेथड सेम फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जिसका ऑलरेडी अर्निंग हो रहा है वही इसको परचेस करना। ये 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है, एक बार लेके देख लेना। तो यहाँ पे हम ऐसा डैशबोर्ड आएगा तुम्हारा, तो कैंपेन में जाना है। कैंपेन में जाके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके क्रिएट करना है आपको। पर इसके पहले एक है इसमें कनेक्ट करने का, क्लिकबैंक के साथ कनेक्ट करना रहता है, तो ये दिखा देता हूँ मैं। सेटिंग में जाना है यहाँ पे आके, और सेटिंग में यहाँ पे क्लिकबैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मेरा आईडी है, आपको अपना की लिख देना है जो भी है वो। मैंने लिखा चलो जय राजपूत, ये कैपिटल में लिखना रहेगा, जय राजपूत लिख दिया, और इसको कॉपी करके इसको अपडेट करना है, और कॉपी करके फिर अपने क्लिक बैंक में आना है। क्लिक बैंक में वेंडर सेटिंग में माय साइट में आके ये इसमें आना है, एडवांस टूल में एडिट करना है। एडिट में जाके यहाँ पे ये दोनों टिक कर देना है आपको, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो भी आपने दिया हो, यहाँ पे सेव कर देना है। फिर यहाँ पे एक बार एडिट में आना है, ये सब आपको ये सब दिया हुआ है कि नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यस भी कर सकते हो, आप देख लेना एक बार कौन सा आपको चाहिए हो। ये टर्म एंड कंडीशन
एक्सेप्ट है, मैं यस ही कर देता हूँ। अगर आप दूसरी बार ऐड कर रहे हो तो ये सब नहीं पूछेगा, फर्स्ट बार पूछता है क्लिक फनल में। फिर सेव चेंजेस कर दो तो ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब आपने जो प्रमोट किया है गूगल ऐड में, अगर कोई भी सेल आया आपका तो यहाँ पे क्लिक मैजिक में शो हो जाएगा कि आपका ये इतना सेल आया हो। जैसे अभी मेरा हो रहा है यहाँ पे, वैसे आपका भी शो हो जाएगा पूरा ये। और इसमें क्या है कि जो $77 वाला है मंथली, उसमें आप 5 कैंपेन ऐड कर सकते हो। तो अगर कोई ऑलरेडी अच्छा अर्निंग कर रहा है तो उसके लिए वो बेटर रहेगा कि वो परचेस करे ऐसा। तो हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और हमें इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे चलना है, URL बिल्डर में जाना है, टूल में जाके URL बिल्डर पे जाना है। ये सब बंद कर देते हैं बाकी का। और यहाँ पे अपना लैंडिंग पेज का लिंक पेस्ट कर देना है पहले, सबसे पहले। और ये UTM सोर्स में आप कहाँ से ट्रैफिक ला रहे हो, गूगल है तो गूगल करो, बिंग है तो बिंग करो, दोनों में सेम ही है गूगल। और यहाँ पे अपना CPC ऐड रहेगा तो CPC कर दो। और कैंपेन नेम आपको जो देना है वो दे सकते हो, क्लारिटॉक्स प्रो हम देते हैं। और यहाँ पे मेन है UTM टर्म्स। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा रहता है इसमें कीवर्ड। पर मैं कीवर्ड सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कीवर्ड में क्या होता है कि जो तुम्हारे ऐड में कीवर्ड ऐड है वही तुमको शो करेगा कि भाई ये कीवर्ड से सेल आया। पर यहाँ पे हम UTM क्वेरी स्ट्रिंग ऐड करेंगे, तो अगर यूज़र ने कुछ हमने कीवर्ड डाला है क्लारिटॉक्स प्रो रिव्यू, पर यूज़र ने क्लारिटॉक्स प्रो कस्टम रियल कस्टमर रिव्यू सर्च किया है, तो वही शो करेगा आपको कि ये कीवर्ड से ट्रैफिक आया है। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग का एक बेनिफिट हो जाता है, ये अच्छे से कीवर्ड ट्रैक करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग ही रखो, और कुछ नहीं करना है, बस सेव कर लेना है एंड कॉपी URL कर लेना है। ये तुम्हारा मेन हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। चलो ये हमारा मेन लिंक रहेगा जो हमें गूगल ऐड में ऐड करना है। अभी दूसरा एक बात है कि ये तो ट्रैक हो गया, पर तुम्हारा ये लैंडिंग पेज क्लिक फनल क्लिक मैजिक कैसे ट्रैक करेगा, तो उसके लिए है ये बैक चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका जो एफिलिएट लिंक रहेगा, तो क्लारिटॉक्स प्रो का एफिलिएट लिंक जनरेट करना है सबसे पहले। यहाँ पे कुछ दो मत TID क्लिक मैजिक से लेना है, तो ये कॉपी कर लो जनरेट करके। फिर इसमें क्लिक मैजिक में आओ और टूल में आके एफिलिएट लिंक बिल्डर में आओ। एफिलिएट लिंक बिल्डर में यहाँ पे क्लिक बैंक सिलेक्ट करना है हमको, क्लिक बैंक एफिलिएट। और यहाँ पे ट्रैकिंग लिंक में, ट्रैकिंग लिंक नहीं है हमारा कैंपेन है, तो कैंपेन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो अपना लिंक और अपडेट माई एफिलिएट लिंक कर दो। और ये जो ये लिंक जनरेट हो रहा है, ये तुम्हारा एफिलिएट लिंक जनरेट हुआ है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके जो तुम्हारे लैंडिंग पेज है, ये तुमको हर जगह यही एफिलिएट लिंक पेस्ट करना है जो हमने क्लिक मैजिक से जनरेट किया, क्योंकि इससे वो ट्रैक कर पाएगा कि कहाँ से कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, क्या है। और एक यूनिक ID TID दे देगा, तो आपको पता चलेगा कि ये TID में कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आया था, क्या है, सब पता चलेगा इसमें। तो ये सब में दे दो आप, जो जहाँ जहाँ बटन है वहाँ पे, डेस्कटॉप और मोबाइल वाले दोनों वर्जन में दे दो। ये है, फिर दूसरा एक है, अभी एक कोड डालना रहता है अपने वेबसाइट में कि वो क्लिक मैजिक का एक कोड डालना रहेगा। वो यहाँ पे आके टूल में आके वेबसाइट कोड में आके एक कोड कॉपी कर लेना है पूरा। कोड कॉपी करके
वापस जाना है यहाँ पे। यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आप पे हेड ट्रैकिंग कोड है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस पेस्ट करके सेव कर देना है। तो जो भी ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे वो क्लिक मैजिक थ्रू आएगा, तो इजीली आपका कोई भी कीवर्ड, कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आया, कौन से आईपी से आया, सब कुछ ट्रैक हो जाएगा आपका, तो वो बेटर रहेगा। तो बस इतना ही करना है इसमें। तो तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हो गया कि कहाँ से ट्रैफिक आएगा, ये अपना ये कोई भी ओपन करेगा ये लिंक, तो क्लिक मैजिक थ्रू ओपन होगा अपना लिंक लैंडिंग पेज। तो ये पूरा आ गया, देखो यहाँ पे नीचे नीचे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये टीआईडी पूरा अलग से बताएगा आपको, ये टीआईडी से ट्रैक होगा, क्लिक क्लिक मैजिक ट्रैक करेगा कहाँ से ट्रैफिक आया क्या है वो। तो ये अपना हो गया। अभी गूगल ऐड में ऐड कैसे क्रिएट करना है, न्यू कैंपेन क्रिएट करना है आपको। यहाँ पे गोल में कोई गोल नहीं रखना है, विदाउट गोल कैंपेन क्रिएट करना है। यहाँ पे सर्च ऐड क्रिएट करना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ क्लारीटॉक्स प्रो। ये दोनों निकाल देना है, हमको नहीं चाहिए, हमको खाली google.com पे ऐड शो करना है। ये उनके सब पार्टनर है, पार्टनर वेबसाइट है, सर्च इंजिन है, वहाँ पे अपना ऐड शो हो, पर हमें नहीं करना है। फिर लोकेशन में आना है, लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट ही रखना है और कुछ नहीं रखना है। और यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन में पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, मतलब जो यूएसए में फिजिकल अभी रहते हैं उनको ही अपना ऐड शो हो। अगर बाहर से कोई सर्चेस करे सर्च करेगा कि क्लारीटॉक्स प्रो इन यूएसए, तो अपना ऐड शो नहीं होगा, तो उसमें फालतू ट्रैफिक तुम्हारा बंद हो जाएगा। फिर नीचे आना है, बजट देना है। अभी पहले मैंने सजेस्ट किया था पुराने वाले वीडियो में कि 4,000 बजट रखना है, पर अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि पर डे 10,000 रखना है। ये गूगल 10,000 यूज़ नहीं करेगा, मुझे पता है 3 to 4,000 ही यूज़ करेगा पर डे, पर 10,000 रखने का बेनिफिट क्या होता है कि गूगल दिल खोल के आपका ऐड दिखा सकता है, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं अपने ऐड पे कन्वर्जन मिले। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा 10,000। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो, आपका बजट कम है, पर एक बार 10,000 देख के लिख लेना। ज़्यादा पैसे ऐड मत करना, तो आपका ऐड ज़्यादा चलेगा नहीं। पर ये क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट जो नए होते हैं उनके सर्चिस कम होते हैं, तो इतना इतने ट्रैफिक नहीं होता। अगर तुम ज़्यादा बजट रखोगे तो गूगल तुम्हारा ऐड दूसरों से ज़्यादा बार दिखाएगा, तो एक बेनिफिट हो जाता है ज़्यादा बजट रखने का। और यहाँ पे जो हमको सेटिंग करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले मैं कन्वर्जेशन का दिखाया था, पर अभी हमको मैनुअल बिड सेट करना है, मैनुअल सीपीसी सेट करना है। मैनुअल सीपीसी में हमेशा ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन ऑन रखना है। ये फिर हम चलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है, ये तुम ऐड कर लेना, यहाँ से ऐड कर सकते हो तुम न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन, जो भी ऐड करना है वो कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 ऐड किए हुए हैं, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट, फ्री शिपिंग, मेड इन यूएसए, स्पेशल ऑफ़र, तो ये टिक कर लेना है आपको, जो यहाँ पे दिखेगा वो आपके ऐड में शो होगा। 7 कंटिन्यूज करना है। अभी एड ग्रुप का नाम देना है, तो एड ग्रुप में हम क्लारीटॉक्स ही दे देते हैं। यहाँ पे जो हमें डिफ़ॉल्ट बिड देना है वो मैं शुरुआत में 400 सजेस्ट करूँगा, फिर आप एक बार देख लेना कि ट्रैफिक आ रहा है, अगर कम इम्प्रेशन आ रहा है तो थोड़ा इंक्रीज़ कर देना, अगर ज़्यादा आ रहा है तो इस को फिर कम कर देना, और एटलीस्ट 7 दिन चले, फिर जो एवरेज सीपीसी हो वो सेट कर देना चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। और मेन कीवर्ड का बात है अभी, तो कीवर्ड में 3 रहता है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। तो हमें जो यूज़ करना है वो
फ्रेज मैच यूज़ करना है। ब्रॉड मैच भी कर सकते हो आप, पर ब्रॉड मैच में बहुत ज़्यादा फालतू ट्रैफिक आ जाएगा, तो मैं फ्रेज मैच बताऊंगा इसमें। तो हमें क्लारीटॉक्स प्रो का है, तो एक बार मैं गूगल पे सर्च करके देखते हैं क्लारीटॉक्स प्रो, तो कुछ कीवर्ड सजेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये सब कीवर्ड, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड का एक एक्सटेंशन आता है, वो आप ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है। तो हम ये कीवर्ड लेते हैं रिव्यू वाला, तो फ्रेज मैच में हमें पेस्ट कर देना है यहाँ पे क्लारीटॉक्स प्रो। अभी ये हमने रखा, क्लारीटॉक्स का गलत है यहाँ पे, क्लारीटॉक्स प्रो रिव्यू। इसमें क्या है कि अगर कोई सर्च करेगा क्लारीटॉक्स प्रो रियल कस्टमर रिव्यू, क्लारीटॉक्स प्रो बेस्ट रिव्यू, ऐसे सब कीवर्ड पे आपका एड शो होगा, तो ये कर सकते हो। दूसरा एक कीवर्ड डाल सकते हो, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पर आपको डालना है तो डाल सकते हो। और मुझे कई लोग पूछ रहे करते थे कि अगर हम क्लारीटॉक्स प्रो रिव्यू कीवर्ड डालते हैं तो ये ब्रांड बिडिंग में आता है, ये ब्रांड बिडिंग में नहीं आता है। ब्रांड बिडिंग में कौन सा कीवर्ड आएगा कि तुम क्लारीटॉक्स प्रो, ये सब तुम्हारा ब्रांड बिडिंग में आएगा। ये कीवर्ड तुम डायरेक्ट मतलब प्रोडक्ट बाय करने का या प्रोडक्ट का नाम नहीं दे सकते, ऐसे कीवर्ड ब्रांड बिडिंग में आते हैं, तो ऐसे कीवर्ड तुम नहीं दे सकते क्योंकि ये वेंडर अलाउ नहीं करता। तो ये कीवर्ड मत दो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपने रन कर दिया, अगर उन लोगों ने ट्रैक कर दिया तो आपका ऐड चलेगा, क्लिक भी आएगा, सब कुछ होगा, पर जो परचेस करेगा उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा, वो लोग आपका कमीशन जीरो कर देंगे। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये कीवर्ड यूज़ करो ऐसा, क्योंकि ये ब्रांड बिडिंग में आ जाता है। ये रिव्यू कीवर्ड ब्रांड बिडिंग में नहीं आता, क्योंकि रिव्यू हम प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा है कि प्रोडक्ट कैसा है क्या है वो, तो ब्रांड बिडिंग में नहीं गिना जाता, तो आप प्रमोट कर सकते हो। तो ये दो कीवर्ड हम लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। और हमें ऐड क्रिएट करना है, खाली एक ही ऐड क्रिएट करना है, और हमें यहाँ पे फाइनल यूआरएल डालना है। फाइनल यूआरएल में पहले यहाँ पे टैक्स ऐड आता था, पर गूगल ने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया टैक्स ऐड, तो हम टैक्स ऐड नहीं क्रिएट कर सकते। अब ये रिस्पॉन्सिव ऐड ही क्रिएट करना पड़ेगा अपन को। तो ये हमारा लैंडिंग पेज का यूआरएल है, तो इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमारा देखो क्लारीटॉक्स प्रो बायरजॉन डॉट यूएस आ गया, और यहाँ पे हमको देना है क्लारीटॉक्स प्रो। यहाँ पे मैं दो सजेशन दूंगा तुमको कि एक ये दे दो और एक रिव्यू दे दो। और एक क्लारीटॉक्स प्रो सप्लीमेंट, ये मैंने क्यों बताया तुमको ये तीन, के जो जो तुम्हारा कीवर्ड रहेगा ना वो यहाँ पे टैक्स में आना चाहिए, तो उससे तुम्हारा क्वालिटी स्कोर बढ़ जाता है ऐड का, तुम्हारा सीपीसी कम हो जाता है और रैंकिंग अच्छा मिलता है। तो इसके लिए जो जो आप कीवर्ड में यूज़ करो वो तुम्हारे यहाँ पे टैक्स में आना चाहिए, वो हमेशा ध्यान रखना। और ये सबको वन पोजिशन दे दो, तो यहाँ पर आगे दिखेगा तुम्हारा, ये चेंज होता जाएगा। अगर कोई क्लारीटॉक्स प्रो सप्लीमेंट सर्च करेगा तो यहाँ आगे क्लारीटॉक्स प्रो सप्लीमेंट दिखेगा, कोई क्लारीटॉक्स प्रो रिव्यू सर्च करेगा तो आगे क्लारीटॉक्स प्रो रिव्यू दिखेगा, तो ऐसा रहता है। दूसरा, सब हम हेडलाइन कैसे डालें, तो वो भी मेन दिक्कत हो जाता है सबके लिए, तो उसके लिए भी आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये एक प्रॉक्सी साइट है, काफ़ी लोग नहीं बताते पर मैं बताता हूँ। इसमें आपको जो यूएसए में जो लाइव ऐड है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्लारीटॉक्स प्रो पे कौन कौन सा ऐड चल रहा है, क्या है। तो हम बिंग का ऐड देखते हैं, क्योंकि गूगल का ऑलरेडी ऐड चल रहा है, वो सेम आप कॉपी करोगे
तो वो दो पर्सन का ऐड सेम हो जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ऐड नहीं दिखे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप गूगल ऐड बना रहे हो तो बिंग ऐड में जो ऐड चल रहा है उसका कॉपी करो, अगर आप बिंग ऐड बना रहे हो तो गूगल ऐड में जो ऐड चल रहा है उसका कॉपी करो, तो सेम कॉपी में नहीं आएगा। तो हम बिंग में सर्च करते हैं कि क्लारीटॉक्स प्रो रिव्यू पे कौन कौन ऐड चला रहा है। तो बहुत सारे ऐड चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से कुछ अपने काम की चीज़ ले सकते हैं। जैसे ये एक है, टू बोनसेस 70% ऑफ, इसको कॉपी कर लो। ये ऑफिशियल साइट वो सब तुम नहीं लिख सकते गूगल में, तो ये कभी लिखना भी मत, बिंग में भी ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि कभी कभी अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो ये सब फालतू चीज़ें ये सब मत लिखना क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है इसमें ही आता है, पर लोग समझते नहीं है। तो ये हम कॉपी कर सकते हैं। अभी 70% है, कमीशन का नहीं है क्योंकि बिंग में कई लोग, बिंग इतना स्ट्रिक्ट नहीं है तो कई लोग मिस यूज़ करते हैं उसका, पर वो भी सस्पेंड हो जाएंगे बहुत जल्द। तो हमें अपने लैंडिंग पेज में ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है कि कितना डिस्काउंट है क्या है, तो अपने लैंडिंग पेज में एक बार चेक करते हैं हम। तो हमने यहाँ पे स्पेशल 80% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उन्होंने कुछ गलत दिया होगा, तो चलो हम ये कर देते हैं। तो सेव उन्होंने कितना बताया है, सेव 300 रुपीज़ है ही नहीं, $300 है ही नहीं। तो हम ये करते हैं, जो 6 बोतल होता है तो उसमें 49 में एक बोतल पड़ेगा, तो वो भी लिख सकते हो कि पे जस्ट 49 पर बोतल। दूसरा एक लिख सकते हो गेट 80% ऑफ टुडे ओनली, बस ऐसे चार पांच लिखो, ज़्यादा में नहीं लिखो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा वन हो गया, ये सब बीच में चेंज होता रहेगा, और लास्ट में एक लिख दो बाय नाउ, इसको 3 नंबर दे दो, पोजीशन 3, तो ये लास्ट में दिखेगा हमेशा। और ये बीच वाला तुम्हारा ये सब चेंज होता रहेगा। और ये ऐड डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले लेते हैं, ये सब अलाउ नहीं करता, ये ले सकते हैं, इतना कॉपी कर लेते हैं, दूसरा हम अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। तो ये कॉपी कर लो, और यहाँ पे ये TMEM सब निकाल देना है, ये गूगल में नहीं चलता। तो ऑर्डर क्लारीटॉक्स प्रो फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट एंड सेव 80% विथ फ्री शिपिंग, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा हम ये कॉपी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं कॉपी, ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना है। तो ये ले लेते हैं, ये भी कर देते हैं। गेट योर क्लारीटॉक्स प्रो सप्लीमेंट नाउ, हम ये कर देते हैं। तो एक अच्छा हेड अभी बन गया अपना, तो इसमें हमको इसको ऊपर रखना है पहले, क्योंकि ये 60 डेज से शुरू होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको पोजीशन 1 कर देते हैं। तो हमारा इसमें क्लारीटॉक्स प्रो सप्लीमेंट वर्ड आ गया, क्योंकि कोई कीवर्ड में से एक कीवर्ड का वर्ड आना चाहिए और इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी, तो हमेशा ये याद रखना। अगर सप्लीमेंट नहीं रखना है तो रिव्यू भी लिख सकते हो तुम। तो इससे अच्छा इससे होता है कि देखो हमारा एयर स्ट्रेंथ एवरेज हो गया, एवरेज तो एटलीस्ट होना चाहिए, एवरेज से कम नहीं होना चाहिए, अगर गुड है तो और भी अच्छा है, पर इतना एवरेज तो होना ही चाहिए। तो अपना ये ऐड पूरा क्रिएट हो गया, अभी इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है, पूरा सेव हो जाएगा अपना ऐड। ये सब इग्नोर करो, इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, और पब्लिश कर दो बस, और कुछ नहीं। तो अपना ऐड पब्लिश हो गया, अभी कुछ सेटिंग है जो करना है,
मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते तुमको। तो मेन एक चीज़ होता है, पहले दिन तो आप चलने दो ऐड, कुछ भी एडिट मत करो, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, क्या है वो, फिर आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज थोड़ा कर सकते हो। उसमें मेन है एक तुम्हारा टैबलेट एंड मोबाइल, ये इसको तुम पहले से बंद करना है तो कर सकते हो, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, मैं खाली डेस्कटॉप पे ही ऐड चलाता हूँ, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारा ट्रैफिक आता है और सेल, मतलब 20 क्लिक आएगा तो एक सेल आएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहता फिर, तो उससे अच्छा है कि हम कंप्यूटर में ही ऐड चलाएं। ये तुमको करना है तो पहले से ही कर सकते हो। दूसरा एक है अपना डेमोग्राफी, यहाँ पे किसी जो, ये मेरा न्यू गूगल अकाउंट है तो इसमें यहाँ पे डेमोग्राफी नहीं दिखेगा, पर आपका पुराना वर्जन है तो यहाँ पे डेमोग्राफिक दिख जाएगा तुमको, मेरा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे ये न्यू गूगल अकाउंट होगा तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे तुमको डेमोग्राफिक्स करके दिख जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे एडिट डेमोग्राफिक्स में आना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा ऐड ग्रुप है। तो हमारा क्लारिटॉक्स हमने कभी क्रिएट किया था, अभी इसमें है, आपको देखना है कि प्रोडक्ट किसके लिए है। अगर फीमेल के लिए वेट लॉस का प्रोडक्ट है तो ओनली फीमेल ही रखो, अगर मैन एंड वुमन दोनों के लिए तो दोनों रखो। तो क्लारिटॉक्स प्रो है, डिजीनेस का प्रोडक्ट है, जो चक्कर कर आते हैं वो सब है, तो हम दोनों रख सकते हैं। ये अननोन निकाल दो, अननोन नहीं चाहिए हमको। फिर ये एज, 18 से 24 वाले परचेस नहीं करते, 25 से 34 वाले नहीं करते, तो इनको निकाल दो, उनका ज़रूरत नहीं है। 35 एज से लेकर 65 प्लस तक आप रख सकते हो इसमें। फिर हाउस होल्ड इनकम में, हाउस होल्ड इनकम पहले नहीं बताया था मैंने, पर पहले वाले वीडियो में नहीं बताया था, अभी बताता हूँ कि ये लोअर 50% निकाल दो, 41 to 50% निकाल दो, क्योंकि ये जो कम, सबसे ज़्यादा कम इनकम है वहाँ पे जिन लोगों की, क्योंकि गूगल के पास तो सब डेटा है, अपना भी है कि अपना इनकम कितना है वो। तो टॉप 10 रखो, 11-20 रखो, 21-30 रखो और 31-40% तक का रखो, और ये अननोन भी रखो, अगर किसी का इनकम गूगल को नहीं पता है तो वहाँ पे भी अपना ऐड शो हो। और ये खाली यूएसए कंट्री में ही ये हाउस होल्ड इनकम का चलता है, अगर तुम दूसरी कंट्री टारगेट कर रहे हो तो ये मत करना, जो भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, क्योंकि यूएसए के लोगों का ही गूगल को अच्छे से पता है, दूसरे कंट्री के लोगों को नहीं पता है। तो बस इसको सेव कर दो और कुछ नहीं करना है, बस हो गया अपना ऐड। अभी एक दो दिन चलने दो, फिर तुमको कुछ एडिट करना है तो बाद में करो, एटलीस्ट 2 days तो चलाओ ही ऐड। 2 दिन चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि इंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो तुम बीड थोड़ा इंक्रीज करो, और कीवर्ड दूसरे भी तुम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, दूसरे कीवर्ड, मैंने यहाँ पे 2 कीवर्ड बताया। अगर आपको ज़्यादा कीवर्ड चाहिए तो जो भी वेंडर होते हैं, मानो के क्लारिटॉक्स प्रो वेंडर है, तो ये जो मेल आईडी दिया है इनको, इनको आप मेल करोगे कि मुझे सर्च ऐड चलाना है गूगल में, तो मुझे कीवर्ड प्रोवाइड करो कि जो मैं, जिससे मैं गूगल ऐड चला सकूं। तो ये लोग भी कीवर्ड देते हैं, अगर आप मेल करोगे 2 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा, कोई भी वेंडर हो, सभी देते हैं कीवर्ड, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेंडर से कीवर्ड लिया हुआ है, उसमें भी मैंने ऐड चलाया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो। पर ज़्यादा कीवर्ड डालोगे तो फिर ज़्यादा बजट चाहिए, तो अपने बजट के हिसाब से ही पहले चलो, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करो जो भी है वो। फिर एक दूसरी बात आती है कि कई लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी लाख सारे लोगों का मेरे पिछले गूगल एड वीडियो से सेल आने लगा, पर उन लोगों को दिक्कत क्या होती थी कि उनको रेगुलर $100-$200 का डेली सेल आता है, पर उनको फिर एक्सपांड कैसे करना है। तो उसके लिए मेन क्या है कि कोई एक प्रोडक्ट का तुम ऐड लगा के मत रखो। अगर मैंने क्लारिटॉक्स प्रो लगाया है तो ऐसे 5 प्रोडक्ट के ऐड लगाओ, मतलब अलग अलग 5 प्रोडक्ट के। तो 5 प्रोडक्ट में क्या होगा कि 5 प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट तो तुमको डेली सेल दे ही देंगे। अगर एवरेज सेल हम $100 पकड़े तो भी डेली का तुम्हारा $300 सेल हो गया, तो इजीली तुम एक्सपांड कर सकते हो। फिर धीरे धीरे तुम्हारा बजट जैसे बढ़े, तुम फिर 5 की जगह 10 कैंपेन भी लगा सकते हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे। तो ये अगर तुम रेगुलर पूरा
अगर तुम ये रेगुलर करोगे, पांच कैंपेन तुम चलाओगे तो डेली $300 आराम से सेल आ जाएगा। पर एक बार ऑप्टिमाइज़ होने दो, फिर ऐसा मत सोचो कि मैंने आज ही एड चलाया और आज ही सेल आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि गूगल क्या है कि पहले 7 दिन तो गूगल तुम्हारा एड टेस्ट करता है, कि क्योंकि गूगल के पास डेटा है कि कौन सा परचेस करता है, कौन सा नहीं करता है, कहाँ पर ज़्यादा परचेसिंग आएगा। पर पहले तुम्हारा ऐड वो टेस्ट करेगा 7 दिन के लिए। वो पता नहीं गूगल का क्या मोनोपोली है, पर वो 7 दिन मतलब किसी को भी दिखाएगा तुम्हारा ऐड। तो ऐसा नहीं है पहले 7 दिन में कम सेल आता है, उतना नहीं आता, पर 7 दिन के अगर तुमने कुछ चेंजेस नहीं किया ऐड में, तो 7 दिन के बाद तुम्हारा कन्वर्जन अच्छा आएगा। जो तुमको पहले 10 क्लिक में एक सेल मिलता था, वो फिर तुमको 5 से 6 क्लिक में एक सेल मिल जाएगा। वो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ करता है गूगल, जो बिंग नहीं करता है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा गूगल पसंद है, क्योंकि गूगल का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया है। तो बस यही था ये गूगल ऐड में। अगर कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट वीडियो डाल के कवर कर लूँगा, अगर कुछ आपको दिक्कत है इसमें, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो। और ये पूरा वीडियो 2 बार देखना, पर पूरा जैसे मैंने बताया है वैसे एग्जिट करना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताया था और कुछ लोग प्रमोट कर रहे हो और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मेरा सेल नहीं आया, पर वो जो मैंने मेथड बताया वो आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले एक बार देखो पूरा वीडियो, फिर फॉलो करो। अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन जो भी होगा वो दूंगा। तो बस यही है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू, बाय, जय हिंद।